अच्छी हूँ, आप कैसी है, कितनी बिजी है ना, फोन भी नहीं करती आप। ये नहीं कि छोटी बहन को ना सलाह भी दे दो, कुछ बता तो दो। अनन्या बोली, अरे दी तो थी जब चाहिए थी, बट अब तो आई एम श्योर कि छोटी बहन खुद ही ना बहुत सियारी हो गई है। नारा बोली, ब्लश करना यश को देखिए, माँ भी कैसी है भैया। हाँ करेक्ट, आओ बच्चों। नमस्ते करो। हाँ शादी जी थोड़ा आगे मिलना जुलना हुआ। गोएनकास के घर पे रक्षाबंधन की सेलिब्रेशन होने वाली है। दादी ने सारे के सारे सिंघानिया फैमिली को यहाँ पे हमारे घर पे बुलाया है टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन। एंड आप देख ही रहे हैं, बहुत ताम झाम हुआ है एंड बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है घर। मैं एक्चुअली बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। सुबह सुबह हम लोग पूजा कर लेते हैं एंड मेरे भाई और मुँह बोले भाई, जितने भी मेरे भाई हैं और अगर वो टाउन में हैं तो हम नीचे बैठते हैं, अपना पूरा थाली मैं सजाती हूँ, उसमें नारियल, कुमकुम, हल्दी, चावल, वगैरह सब रखती हूँ, आरती की चीज़ें रखती हूँ एंड बहुत सिंपल सादे तरीके से करती हूँ। एक गिफ्ट लेके आती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक गिफ्ट मुझे भी मिले एंड बहुत अच्छा लगता है एंड आई मेक श्योर कि दैट फुल डे मैं अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करूँ। मुँह बोले भाई कोई नहीं है यार, अभी तक बनाना पड़ेगा मुझे। अरे ऑफकोर्स इंडस्ट्री में एक ही मेरे भाई हैं, वो हैं मोहसिन कार्तिक एंड मैंने पहले ही से उन्हें कह दिया था कि मुझे एनीवेज तुमसे बहुत ही ब्रदरली फीलिंग आती है एंड इट्स फैंटास्टिक, आई लव इट। सेट पे बेसिकली वो मेरा भाई है, वो मेरा ख्याल रखता है इट्स गुड। और जो मिठाई जो खिलाती हूँ मैं अपने भाइयों को वो होती है कलाकंद। Have a wonderful रक्षाबंधन। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो फिर भी टाइम को बीट करके किसी तरह आप अपने भाइयों बहनों से मिलें और रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ एंड मेक दिस रक्षाबंधन वंडरफुल।